मधुमंगल सोचता है क्या करूं हे नाथ हे परमात्मा, लेकिन हमारे गोविंद तो सर्वंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। आज ग्वाल मंडली के मध्य में हमारे कन्हैया मचल गए, बीच मंडली के मध्य में बैठे हुए मचल गए। क्या मोको आज भोजन नहीं करना है? क्यों? आज तो मोको मधु मंगल को ही घर को ही भोजन करना है। आज मधु मंगल के घर को ही भोजन करूंगो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगो। मधु मंगल तो इतना प्रसन्न हुआ कि महाराज कन्हैया से कहता, अरे लाला तू 2 मिनट विश्राम करियो, मैं अब ही गया और अब हाल लेकर के आयो। मधु मंगल दौड़े दौड़े अपने घर में आए। अब बाकी मैया मधु मंगल की मैया घर में भजन कर रही थी कि भजन करते समय पहुंच गए और मधु मंगल को देखा तो मधु मंगल की मैया कह रही है, अरे लाला आज तू बीच में कैसे आ गयो। मधु मंगल ने कहा, मैया आज कन्हैया ने मेरो कितनो सम्मान कियो है, पतो है तो है आज इतनी ग्वाल मंडली के समक्ष सबके घर को भोजन है, लेकिन कहता है कि मोको तो मधु मंगल के घर को ही भोजन करना है। बताओ मैया, कछु भी हो जो कछु भी हो जल्दी ला तू, जल्दी दे दे, मैं जाऊं जंगल में, मेरो कन्हैया छोटो सो लाला भूखो बैठो है। मधु मंगल की मैया ने कहा गंभीर होते हुए कि अरे बेटा कैसी बातें करे तू, घर में तो कछु है ना है, यजमानों के यहाँ ते जो कछु आ जावे तो पालू, और तो कुछ है ना है। हाँ एक मटकी रखी हुई है, मेरे अंदाज से बा में कछु रखो हो तो ले जा। मधु मंगल ने जाकर के मटकी रखी हुई थी उसको देखा तो महाराज मटकी में 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी थी। अब्बा कड़ी को सूंघ करके बाबो तो मन भी बिचारे को खट्टो है गयो, हे भगवान मेरो कन्हैया सुंदर माखन खावे भोग लगावे या खट्टी कड़ी को मैं कैसे खवा दूं। फिर भी मधु मंगल मटकी की पूरी मटकी ले गए, मटकी को उठाकर ले गए और जाते जाते सोचने लगे, बीच मार्ग में जाके खड़े हो गए, सोच रहे हैं कि मेरो कन्हैया तो सुंदर माखन खावे और भोग लगावे, मैं कन्हैया को खट्टी कड़ी कैसे खवाऊं? ना मैं लाला को कड़ी ना ही खवा सकती। तो सोच रहे क्या करूं, एक काम करता हूं या कड़ी की मटकी को छुपा कर रख देता हूं। बोले छुपा कर रखूंगो तो कन्हैया बड़ो चतुर है, बड़ो नटखट है, जरूर कड़ी को ढूंढ करके पी जाएगा। एक काम करता हूँ या कड़ी की मटकी को फेंक देता हूँ। अरे बोले फेंकूंगो तो आवाज होएगी, कन्हैया तुरंत आ जाएगा, कहेगा तूने फेंकी क्यों। तो एक काम करता हूँ या कड़ी को मैं ही पी जाता हूँ। सो भैया कड़ी की मटकी से मधु मंगल ने मोह लगायो और जल्दी जल्दी पी तो जा रहो, देख तो भी जा रहो कि मुको कोई देख तो ना रहो। अब जल्दी जल्दी पीने थे, आधी कड़ी तो पेट में चली गई और आधी पूरे मुंह पर फैल गई, भूत जैसा बेचारे का मुंह बन गया। दूर से कन्हैया ने कहा, अरे भैया जे सामने का है रहो। तब तक एक सखा कह रहा है, अरे दाऊ दादा ये तो मधु मंगल है कड़ी पाए रहो। कन्हैया पास में आए, आकर के कहा, क्यों भैया ये का है रहो? अरे बोले कन्हैया आज मुझे माफ कर दे, आज मुझे क्षमा कर दे, कल तोहे ताजे मखाने की खीर बनवा कर लाऊंगो। अरे कन्हैया मैंने सोचो मेरो लाला खट्टी कड़ी कैसे खाए, मैं ना खवा सकूं, मेरो लाला तो सुंदर माखन खावे भोग लगावे, मेरो कान्हा कैसो है, बड़ो कोमल है मेरो लाला मेरो कन्हैया, मेरो कान्हा गुलाब।